हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, ए वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। ए 14 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन एंड फिल्ड विद वाटर। द रेशियो चेंज टू 3:4। हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द वेसल इनिशियली। तो इस वेसल में मिल्क कितना था वो हमें पता करना है। अभी इस ये जो वेसल है इसमें 4:3 है, मतलब अगर 4 हिस्से दूध मिल्क के हैं तो 3 हिस्से पानी के हैं। और अभी इसमें क्या किया जा रहा है कि 14 लीटर निकाल लिया जाता है, और फिर जो नया रेशो रह जाता है, अभी 14 लीटर जो निकाला तो नया रेशो क्या रह जाता है, 14 लीटर निकाला प्लस उसमें 14 लीटर जितना निकाला उतने पानी डाल दिया, तो नया रेशो क्या हो गया, अभी पानी का रेशो बढ़ गया 3:4 हो गया। जो मिल्क का रेशो वो 3 हो गया और पानी का 4 हो गया, उल्टा हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे पहले 4:3 था, अभी 3:4 हो गया। तो हमें पता करना कि इसमें स्टार्टिंग में मिल्क कितना था। तो हमारे पास रेशो दिया हुआ 4:3 है, तो इसमें जो भी मिल्क होगा जहाँ वाटर होगा वो 4:3 में होगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर 8 लीटर मिल्क होगा तो 6 लीटर पानी होगा, क्योंकि अगर हम 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि 40 लीटर यहाँ पे मिल्क है तो 3 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 30 लीटर पानी होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि एक्स का मल्टीप्लाई इसमें क्वान्टिटी है, मतलब 4x इसमें मिल्क है और 3x इसमें, x कोई भी फिगर हो सकती है 1, 2, 3, 4, वही हमें पता करना है x की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रेशो में 4:3 रेशो में ये पूरा क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि भाई इसमें जो क्वांटिटी है वो 4x प्लस 3x है। तो x कुछ भी हो सकता है 10 हो x, तो कितना हो जाएगा, अगर x 10 होगा तो क्वांटिटी हो जाएगा 40 प्लस 30 70 हो जाएगा क्वांटिटी। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट टोटल मिल्क कितना 4x है और वाटर कितना हुआ 3x, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी कितना हो गया 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अभी यहाँ पे जो 14 लीटर निकाला गया वो तो मिक्स था, उसमें पानी भी था और दूध भी था, दोनों चीज़ मिक्स थी जो निकाली गई। तो अभी हमें देखना कि इसमें से दूध कितना निकला है और पानी कितना निकला है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रेशो है, जो मिल्क का रेशो है वो 4 है, तो 14 लीटर टोटल निकाला गया। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 14 लीटर टोटल निकाला गया है, और जो मिल्क का रेशो है 4 है, तो इनटू 4x/7x जो टोटल मिल्क की क्वांटिटी है ओवर जो टोटल मिल्क और वाटर दोनों की क्वांटिटी है, तो ये एक्स के साथ एक्स कट जाता है और 7, 14 तो ये आ जाता है 8 लीटर, मतलब 14 का 8 लीटर हिस्सा है वो क्या है, जो 14 लीटर निकाला गया यहाँ पे उसका जो 8 लीटर हिस्सा है वो मिल्क निकला यहाँ पे, और बचा क्या 14 में से 8 माइनस कर दो 6, तो जो वाटर निकाला गया है वो 6 लीटर है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। ये वाटर का भी मैंने यहाँ पे इसी रेशो के हिसाब से लिखा, 14 × वाटर का रेशो 3:7, तो ये 7 14 के साथ कट कर जाता है, एक्स के साथ एक्स कट जाता है, तो ये आ जाता है 3×2 6। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। हमारे पास हमने 4x + 3x टोटल मिल्क और वाटर ले लिया, और टोटल 7x हो गया ये दोनों की क्वान्टिटी, और इस क्वान्टिटी में से 4x क्वान्टिटी जो कि मिल्क की है, उसमें जो टोटल 14 लीटर निकाला गया मिक्सचर था, उसमें से जो मिक्सचर में से रेशो के हिसाब से, अभी वो तो रेशो में मिक्स है तो रेशो के हिसाब से निकलेगा, उसमें से अगर कुछ भी निकालेंगे तो उसमें 8 लीटर जो है वो मिल्क निकल गया और 6 लीटर क्या है पानी निकल गया। अभी आगे क्या बोलने के, जितना निकाला है उतना ही पानी के साथ भर भी दिया उसको। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पे पानी के साथ उतने भरने के बाद जो नया रेशो आ जाता है वो रेशो क्या आ जाता है 3:4। तो 4x क्या है, अभी मैंने यहाँ पे लिख लिया रेशो में लिख लिया इसको, 4x - 8, 8 क्या है जो मिल्क निकाला गया है, 4x क्या है टोटल मिल्क है हमारे पास, टोटल मिल्क 4x है, उसमें से 8 लीटर जो मिल्क निकाल दिया है, और उसका रेशो क्या है 3 है, यहाँ पे बराबर में 3 लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो अभी नया वाला रेशो है
ये जो निकालने के बाद प्लस पानी ऐड करने के बाद जो रेशो आया वो रेशो की बात कर रहा हूँ। मैंने वही रेशो भी यहाँ पे लिखा है 3:4, ये 3:4। तो 4x-8 किसके रेशो के बराबर है? 3 के बराबर है। और पानी, पानी कितना निकाला हमने? 6 लीटर निकाला है। 3x-6 लेकिन प्लस भी किया है हमने, जो 14 लीटर टोटल निकाला है उतना 14 लीटर पानी प्लस भी किया है। तो 3x-6 + 14, तो ये इसको सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4×4 16x-32 = 9x, ये 3×3x हो जाता 9x, प्लस ये 14 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा, ये 8×3 = 24। ठीक है दोस्तों, तो 7x = 56, x = 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि इनिशियली दूध कितना था, मिल्क कितना था, हमने कितना माना था 4x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, और 4×8 कितना होता है 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो स्टार्टिंग में इस कंटेनर में जो मिल्क था वो था 32 लीटर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।